देखिए लग रही है ना ये भिंडी की सब्जी एकदम लाजवाब और मुंह में पानी ला देने वाली। आज हम इस सब्जी को प्याज टमाटर और हरे मटर डालकर बनाने वाले हैं, जिसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बनाना शुरू करते हैं भिंडी की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 250 ग्राम भिंडी। यहाँ मैंने इसे ऐसे बड़े पीस में कट करके लिया है। साथ ही में एक बड़े साइज के प्याज को ऐसे क्यूब्स में कट करके ले लीजिए। ये सब्जी में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ये आधा कप हरे मटर भी मैंने यहाँ पर लिए हैं और साथ ही में लिए हैं ये दो टमाटर, जिन्हें ऐसे बड़े पीस में कट करके लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप पैन में ले लीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। आज इस सब्जी को मैं राई के तेल में बना रही हूँ, जिससे सब्जी में अच्छे कलर के साथ बढ़िया टेस्ट आएगा। ऑयल गरम हो जाते ही इसमें डालेंगे प्याज। इन्हें पैन में चलाते हुए भून लीजिए। प्याज को हमें बस इतना ही भूनना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा इनका कच्चापन भी निकल जाए। इन्हें भूनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ मैंने प्याज की सभी लेयर को खोल कर ली है, जिससे ये सब्जी में खिले खिले रहेंगे। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें भिंडी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि भिंडी को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट प्याज के साथ भिंडी को भी सौते कर लेंगे। इस तरह से भिंडी की सब्जी बनाते समय जब हम भिंडी को पहले से ही ऑयल में हल्का सा सौते कर लेते हैं, तो सब्जी चिपचिपी नहीं बनती है, भिंडी पर हल्की सी कुरकुरी सी परत आ जाती है और ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। भिंडी और प्याज को हमने 75% तक कुक कर लिया है, इनका कच्चापन भी निकल गया है, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। यहाँ जार में मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक और 4 से 5 लहसुन की कली। इन सभी को हम ग्राइंड करके ले लेंगे, ये ग्रेवी बनाने के लिए काम आएगी। यहाँ पैन में मैंने 2 बड़ा चम्मच ऑयल लेकर गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को ऑयल में ब्राउन कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए और ग्राइंड किया हुआ प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। इस पेस्ट को हम पैन में चलाते हुए पकाएंगे। ऐसे ग्राइंड करके लेने से ग्रेवी जल्दी बन जाती है, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। ग्रेवी को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पका लीजिए। इसमें जो प्याज और अदरक लहसुन है वो अच्छे से भून जाएंगे। ग्रेवी में कुछ मसाले भी ऐड कर दीजिए, जैसे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। मसालों को भी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिलाकर पका लेंगे। इस तरह से जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो ये कम समय में झटपट से बन जाती है, इसका स्वाद भी एकदम रेस्टोरेंट जैसा आता है। मसालों को भी मैंने ग्रेवी के साथ चलाते हुए पका लिया है। आप ग्रेवी का कलर देख सकते हो, ये कितना बढ़िया आया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आप इसकी जगह दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो भी डाल सकते हो। मलाई डालने से ग्रेवी में रिच और क्रीमी टेक्सचर आता है। जिस तरह की सब्जी हम होटल और रेस्टोरेंट में खाते हैं, उनकी ग्रेवी भी बिल्कुल इसी तरह से बनती है। क्रीम डालकर ग्रेवी को पका लेने के बाद इसमें डालेंगे हरे मटर, 2 बड़ी साइज में कटे हुए टमाटर और 1/2 कप पानी। पानी डालने से मटर और टमाटर भी पक जाएंगे और ग्रेवी भी हल्की सी पतली हो जाएगी। तो जब तक ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए थोड़ी ही देर में ग्रेवी का कलर हल्का सा डार्क हो गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी और प्याज। साथ ही में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये सब्जी में अच्छा टेस्ट देता है। भिंडी और प्याज को तो आधा हमने पहले से ही पका लिया था, तो बस 2 से 3 मिनट ग्रेवी में मिलाते हुए और पका लीजिए। भिंडी और प्याज ग्रेवी में लटपट होकर अच्छे से पक जाएंगे और इनका सारा कच्चापन भी निकल जाएगा। ऐसी बनी हुई भिंडी की सब्जी को तो देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। ग्रेवी में अच्छे से मिला लेने के बाद हम सब्जी को 2 मिनट कवर करके पकाएंगे।
जिससे सब्जी में जो भी कसर होगी वो भी निकल जाएगी और भिंडी अच्छे से कुक हो जाएगी। 2 मिनट में ही देखिए हमारी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। इसका कलर भी कितना शानदार आया है। जितनी ये दिखने में सुंदर दिख रही है, खाने में भी ये उतनी ही लाजवाब बनी है। जब कभी भी घर पर मेहमान आए तब आप ऐसी भिंडी की सब्जी बनाकर सर्व कीजिए। ये खाने में किसी शाही सब्जी से कम नहीं लगेगी। जब आप भिंडी की सब्जी बनाओगे तो आप एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए इसे आप बार बार बनाओगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।